मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार बने हैं। ऐसे में वहां हलचल बढ़ गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गुना में राजा वर्सेस महाराज के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा कर सकती है। बात वही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनसे चुनाव हारे उन्हीं के शरण में चले गए, ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं है। वजह साफ है कि गुना शिवपुरी की राघोगढ़ विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट है। इस पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार विधायक हैं। निश्चित ही समीकरण का कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसी सीट से पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिग्विजय सिंह उन्हें खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने बहादुरी की निशानी पेश नहीं की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के पास दूसरे कोई भी विकल्प ना होने का दावा किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति, ना विचार है। कांग्रेस का अपना मन है, वो जिसको लाना है लेकर आए, क्योंकि वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत किसकी बचेगी। ये कांग्रेस के पास ना नेता, ना नीति, ना विचार, कांग्रेस का अपना मत है, उनको जिसको लाना लाने, वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत कौन की बच पाए। इस बात में कांग्रेस लगी हुई है और निश्चित तौर पर मोदी जी की जो विजन है 2047 का जो लक्ष्य है और वर्तमान की जो परिस्थितियां उससे स्पष्ट तय है कि इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वैसे गुना सीट के इतिहास पर नजर डालें तो यहां हमेशा किसी का वर्चस्व नहीं रहा है। साल 1952 के चुनावों में गुना सीट से हिंदू महासभा के वीजी देशपांडे जीते थे। साल 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विजय राज सिंधिया और राम सहाय पांडे जीते। साल 1967 के चुनाव में ये सीट स्वतंत्र पार्टी के हिस्से में आई थी और साल 1971 में यह भारतीय जनसंघ का उम्मीदवार जीता। इसी तरह कभी कांग्रेस तो कभी कभी बीजेपी के हिस्से में सीट आती रही है। बीते दौर का सिंधिया रियासत में आने वाली गुना शिवपुरी सीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के नाम से जाने जाते हैं और इलाके के लोग दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा कहते हैं। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उतारे गए तो गुना में राजा वर्सेस महाराजा का मुकाबला दिलचस्प होगा।